शेर से खाए बहुत समझ आए नार से बानी कछु जात पात की न खबर है बाकी रानी। अरे मनुष्य नांग संजोग कहाँ सुख भोग रे बड़ी नादानी बड़ी नादानी बड़ी नादानी। जब गांव में जा रहा हूं तो एकदम नागिन ने पैर पकड़ लिए तो बासी कहने लगा, अरे मनुष्य नांग संजोग कांपे सुख भोग तेरी बड़ी नादानी है नीत विरोधी बात सती ले मानी। और बासी कहने लगा है नागिनी मनुष्य और नांग का संयोग नहीं। चुपकूरे अरे भमन मेरी कछु फिकर करे ना मन मेरी। कोई लड़का देख नांगन मेरी बको ब्याह करे फागुन मेरी। कोई कोई दूल्हा देखे नांगन में बको ब्याह रचा दिए फागुन में। कोई बेला तब तक एलम दिया गई। पिताजी हाँ आप क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं पर मरे हुए को फेंक दे। एकदम से कहने लगी क्यों? जवाब दिया मैं नागों में कोई लड़का ढूंढ लूंगा। एकदम कहने लगी बाबुल अरे प्यार उससे कीजे जो हो प्यार के काबिल और हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। प्यार उससे कीजे प्यार के काबिल हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। एकदम से जवाब दिया भाषक ने लड़की अपने बाप के सामने प्यार का पैगाम सुना रही है तू। लीनी कुमार बुलाई कई समुझाई कर्म की हीनी। तेरो बाबुल है नाराज मैंने कह दीनी। सुन माता की बात शीतल भौका तरे अंग छवि छीनी। जब देख कुमार की ओर मात पर बीनी। अरे पर छोड़ ढूंढ कोई बेटी और मेरे क्यों प्राणन बेलेटी। और क्यों कफनी शीश लपेटी और मत बने तू उमर की हेती। अरे कोई और बालक तलाश कर ले। एकदम से कहने लगी नहीं बोई मेरे पति होंगे तो दोस्तों। और आकर के हलमदे के गाल में एक तमाचा चल पीछे हट। जो तमाचा गाल में लगा सहलाती हुई पीछे हट गई। वो कहने लगी बाबुल तो मेरी दोनों आंखें निकाल लो मेरे सर के बालों को नोच के फेंक दो मेरे हाथों की माला बना के अपने गले में डाल लो और मेरे कलेजों को निकाल के कुचल दो लेकिन मैं इनके सिवा और किसी को अपने मन का मीत नहीं बनाऊंगी। बस कहने लगा जलाज को फेंकवा दे और चला गया लोगो। आज एलमदेव अपने पिया की लाश के पास पहुंची और कहने लगी पिया मुझे मार के चले गए तुम बिल्कुल नहीं बोले।
अरे हे लकी भर गई रोई, नांगनी अब धर के बिलखाई दे। अरे हे लकी भर गई रोई, नांगनी धर के जब बिलखाई दे। कोई कैसी आए गई नींद, बलम तेरी पगली रही जगाई रे। मिन करी तपस्या भोला की और सबरी जते सुकाई रे। और 6 महीना तक बाबू लखी मिन धैरी देख नहीं पाई रे। और धर घूटन पहला सनार ने जब अरे आंसू डारो रे। और तब नांगिन की गोदी में यार भीम भरे हुंकारो रे। अरे जब नागिन की गोदी में और भीम भरे हुंकारो रे। और हुंकारो सुन के बिटिया को बनियो हाय सहारो रे। हाथ धर के जब गोदी में भीम हुंकारा है तो अहलमदे को तसल्ली हो गई। लेकिन मां अपने बच्चे के रुदन देख रही थी, पीछे त्याकर उसने कंधे पर हाथ रखा, कहा बेटी। पीछे मुड़कर देखा, आप आ गई। हां बेटी, मैं मजबूर हूं, तुम्हारे बाप ने जो गाल में तमाचा मारा वो मेरे गाल में लगा है बेटी। ठीक है, उन्होंने तमाचा ही मारा, तुम मेरा गाला घोंट दो मां। जब देख सुता की गति नागिनी बोली। आ नागिन कहने लगी अपनी बेटी से, जब देख सुता की गति रे नागिनी भैया बोली, हम देवे अकल बताए रे तो एक अनमोली। मेरी लली तो मैं दूंगी गेंद बनाई, और खेल पिता दरबार फेंकिए सुधा कुंड में जाए। फिर रोई रोई के लेके गेंद पिया के मोह में निचोड़ दिए। फिर रोई रोई ले लीजिए गेंद बलम के मोह में निचोड़ दिए। फिर रोई रोई के लेके गेंद बलम के मोह में डार दीजिए। जवाब दिया, मैं तुझे गेंद बना दूंगी और वही गेंद जाकर के तू अपने बाप के दरबार में खेलना और धोखे से फेंक देना कुंड में। और जिस समय ये गेंद कुंड में चली जाए तो वो ही गेंद रो रो के लेकर के तू अपने पिया के मुंह में निचोड़ देना। लेकिन जब बात किसी को मालूम ना पड़े। ठीक है मम्मी, मेरी अच्छी मम्मी बहुत अच्छी अकल बताइए। लोगों गले से लिपट गई, 2-4 तो चुम्बन जड़ दिए, हाँ तसल्ली बन गई। और गेंद बना के मैया ने दई। अब सकीन के पास आई, बोली बहन। हाँ, एक बोली बू मरो बहु कहां धरे आई, कब फेंके आई के कहूं अंदर कर आई। और हमारे पिछेला भाई पे मर आई का कान लगी। जे बातें बाद में करूंगी, एक काम करो। क्या? मेरी मम्मी ने गेंद बनाई के चलो खेल आइए। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई के चलो खेल आइए। मेरी मैया ने गेंद बनाई के चलो
खेली आइए मेरी बाबुल की सभा में गेंद खेलूंगी तेरी चोट सकी झेलूंगी आधार की कछु चतुराई के चलो खेलिए मेरी मम्मी ने गेंद बनाई के चलो खेलिए मेरी बेटा चलो लड़कियां कुंड के पास में गेंद खेलने लगी वो पहरेदार खड़े थे जिनका पहरा था एकदम एक पहरेदार वो ए लड़की क्या करने आई हैं जब अब गेंद खेलने नहीं दूर जाके खेलो महाराज के हुक्म को अमृत के कुंड के पास ना जाए मैं तो दूर ही खेलूंगी ठीक है पास में मत आना खेलत कूदत ख्याल सकन संग बाल उमर है उनकी को शोभा वर्णन करे हाय बात इनकी अरे सुंदर गोल कपोल रहन रम ढोल रे सकी सब संग की सब सकी रही हर साई देख गति जिनकी अरे कह तो ले गेंद में मारे और फिर लेके ताई सिधारे अरे मन अपने अकल बिचारे और अमृत को कुंड निहारे बेटा दोस्तों आज ये लड़कियां इस तरह खेलने लगी पहरेदार बातों में लग गए और खेलत खेलत गेंदा उरे तमाचो भैया दियो और अमृत सर को बांध रे निशानू ने लियो महाराज गेंद में दीनी टोल लगाई और अरर अर परले भैया गेंद जब गिरी कुंड में जाई पंचो गेंद कुंड में गिरी द्वार पे भबर परियो है जब हाई गेंद कुंड में गिरी द्वार पे भबर परियो है अरे भबर परियो है रे द्वार पे भबर परियो है अरे जब गेंद कुंड में गिरी द्वार पे दोस्तों जो अमृत के कुंड में गेंद गिरी एकदम उदम मच गया और पहरेदार कहे लड़की मैंने पहले ही कहा था कि दूर गेंद खेलो ये क्या किया तुमने धोखे में गिर गई आंखें फूट गई तुम की जो धोखे में गेंद इसमें गिर पड़ी निकल जाओ यहां से गेंद दे दो मेरी नहीं महाराज का हुक्म नहीं कि अमृत के कुंड को कोई स्पर्श करे पहरेदार में तिरपैया पड़ रही हूं मेरी मम्मी ने गेंद बनाई के मोई दे दीजे और सूरजन की मोई धुआई से मेरी दे दीजे मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोई दे दीजे मेरी पहरेदार कहने लगे लड़की मैं तुझसे कह रहा हूं कि भाग यहां से नहीं गेंद दे दो अरे गेंद के बदले में चुंदरिया ले ले जा तो 3 लाख की आई है मोई दे दीजे मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोई दे दीजे मेरी
कहते। पर दौर करने लगा, लौट गया थे, मैं कह रहा हूँ पीछे हट। नहीं, गेंद के बदले में लहंगा मेरा ले ले। और बाबा कहे मेरो सब कछु ले ले। जने मड़ैयन किसी न लगाई है मोई, दे दीजिए मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोई, दे दीजिए जे तो बाबा कह के आई है मोई, दे दीजिए बड़े लड़की। बार बार हमें प्रलोभन दे रही है गेंद के लिए, लेकिन गेंद तुझे नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? अरे जो कह दे पिता तुम्हारे, अरे जो कह दे पितारी तुम्हारे, और हम गेंद दिए अब उधारे। अगर तेरे पिता कह दें तो मैं गेंद को दे सकता, उन्हें गेंद को नहीं दे सकता। एक पहरेदार कहने लगा, इस लड़की के मुंह क्यों लगे हो, महाराज को खबर दे दो। एकदम से पहरेदार पहुंचा, कहने लगा महाराज क्या बात है? वो लड़कियां बा गेंद खेलने लगी और आपकी राजकुमारी ने गेंद को कुंड में फेंक। खामोश, नालायक को मैंने पहले ही कहा था कि लड़कियों के हम मत खेलने दो, तुम नहीं माने। मैंने बहुत समझाया मगर वो नहीं मानी, अब गेंद के लिए मचली है। सुनो, जब बासिकने कही मान लो सही हमारी बानी, मत गेंद कुमार को देवरे के हुई है अत्यारे हानि। अरे होगी हानि, होगी हानि, होगी हानि, होगी हानि, मत गेंद लली को देव होगी हानि। और तू जी गेंद बनाई दियो पकड़ाई लिए सिख मानी, लिए सिख मानी बेटी को, बेटी को बहलाई जो बड़ी आसानी, बेटी को तो बहलाई बड़ी आसानी। बेड़े दूसरी गेंद बनाकर वह लड़की को दे दो, कह दो कि गेंद नहीं मिलेगी। आज पहरेदार ने दूसरी गेंद बनाई, और जाकर के बल लड़की से कहा, लड़की ले गेंद और भाग जाए यहां से। लोगों एहलमदे ने गेंद अपने हाथ में ली और गेंद को देखती रही, देखती रही, बोली यह गेंद मेरी नहीं, और धर के फेंकी, वो गेंद कुंड में चली गई। अब तो पहरेदार व्याकुल हो गए, अब क्या होगा। एक पहरेदार कहने लगा, भैया आसमान से गिरी और खजूर पे लटक गई। दूसरा कहने लगा, हम अकल बता दें क्या। तुम के न मान ले ओ मोरी है, और ले ओ जा गेंद निचोरी है। तुम जय दे दे हो चोरा चोरी है, नाक मर जाएगी छोरी है। जाए ये गेंद निचोड़ के इसको दे दो वरना ये लड़की मर जाएगी दोस्तों। दूसरा पहरेदार कहने लगा, लेकिन बादशाह जब गेंद देखा कि जवाब दिया, दूसरी गेंद पड़ी तो है। दोस्तों गेंद निचोड़ी और निचोड़ करके दई और कहा कि ले चली जा यहां से। अब की बार आई तेरे गोड़े काट डाले,
हाय जो बिटरिया को गेंद मिली एकदम से बहुंते भाजी। सखियां बोली खड़ी हो जा दीदी खड़ी, अरे लेकिन बखारी होते। अरे एकदम लड़की भाग दई अब दे दे सीढ़ियन पे पामरे भैया दे दे सीढ़ियन पे। लड़कियां कहने लगी खड़ी हो जा, एलम दे कान लगी आती रहो राणे हम तो गई। अरे संग की सहेली कह रही जको पाँव सबाओ उठ रहो जको पाँव सबाओ। अरे बिटिया भाजती जाती है तो लुकौआ उड़ियो मुड़ते अरे कागा उड़ियो। जब कौआ काँव काँव के उड़ा है करके तो एकदम एलम दे खड़ी हो गई और कहने लगी अरे कागा कागा सब तनु खाइए चुन चुन खाइए मेरो मांस दुने ना मत खाइए मोय पिया मिलन की आस। बिटिया भाजत जाते रे जय बलम मिलन की आस है जय पिया मिलन की। बेटे आ गई भीम के पास दोस्तों, एकदम से चेहरा पैसे हटा दिया कपड़ा और अपने पिया के होठों को खोलकर और उसने दांती पीस के जो गेंद निचोड़ी से दुई बूंद निकले आए और जो मुंह में गई और अरे अरे ठाड़ो हुई और भीम बलधारी और भीम को रूप निहार रे अब लड़की गट घबराई और भीम को रूप निहार रे लड़कियन के भे बई भारी। महाराज भीम जब ठाड़ो हुई आओ है ओ सुंदर चेहरा लखो पेट में जाड़ो हुई आओ है। ओरी हम जोली ओरी मेरी आली भूत पकड़ के कैसो लाई है जूतो पर्वत की नोहार योरी भाईली भूत खुले के बरियई आई है। इधर तो सखियां भाग गई और दोस्तों एहलम दे फौरन घर में घुस गई और आज सोलो सिंगार करने लगी ऐसे सदरे नाग कुमारी। अरे चंदा सो मुखार बिंद सो बहु कही ना जाई चंदा सो मुखार बिंद सो बहु कही ना जाए मृग जैसे नैना लख के खंजनाऊ शरमाए पानी तो आमोल जाकी मारई छवि छाई दामन दसन और मंद मंद मुसिकाई जय ए चंदा सुमुखार बिंद सोबाऊ कही न जाए मृग जैसे नैना देख खंजनाऊ शरमाए बानी तो या मोल कह रही ऐसी छवि छाई। और हंसौ कैसी चाल काटी सिंह के समान जान धनुष समान भोए नैन में रसीली तान चक्रवात जोबन दो शोभा किया पार खान कंठ में कपोत जो तो हार लियो रर काय नांगनी नि नांगनी सी लटली नि छूट गाय। और बंदनी विशाल पेंदी भाल पे लगाई रही नैनन में सुरमो भरियो पान को चबाई रही केसर मलिए अंग मंजहू समारी लई
दामिन दसन जाने रेशमी झुकाई लई, नूपन की झनकार भैया सुरजन को रिझाई लई। ए सुरमा तो लगाई रही, सुरमा तो लगाई रही, सजना से मिलबे कुमड़ैयन से जजाई रही। बेड़ा आज सोलह श्रृंगार करके दोस्तों जिस समय चली है एलम दे, और पहुंची भीम के सामने तो भीम कहने लगा, ए कौन है तू? अरे तू नारी सुकुमारी, मुख चंद्र बदन उजियारी सी, क्या कौन काम से काम रहो, तेरी चितवन चुभी कटारी सी, तेरे चितवन चुभी कटारी सी। ये कौन गाम और भूप कौन और कौन वंश कहलाया है, सस पंज रंज में पड़ा हुआ, मोय कौन यहाँ पर लाया है, मोय कौन यहाँ पर लाया है। सौ बंधु बड़े कौरव थे, सो मोय खेलन काज लिबालाए, उन बड़े प्रेम से मिल कर के फिर मोको भोजन करवाए, फिर मोको भोजन करवाए। मुझको कुछ मालूम नहीं, मैं कैसे यहाँ पर आ गया, इतनी के व्याकुल भीम भया, और नैनन में जल छाई गया भैया, नैनन में जल छाई गया। कौन यहाँ लाया, मुझे इतना तो ध्यान है कि कौरवा भाइयों ने मुझे बड़े प्रेम से भोजन करवाया, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? भोजन करवाए से तो हमें मालूम है, आपको जहर दे दिया, और मुझे भगवान भोला ने वरदान दिया था कि तेरा पति तुझे मरा हुआ मिलेगा नदी में, और महाराज आप मुझे नदी में मिल गए, मैंने बड़ी मुसीबत से आपको जिंदा कर पाया, मेरे बाप ने मेरे गाल में तमाचा तक मार दिया, ये पातालपुरी है, यहाँ के राजा बाशक हैं और मैं उनकी बेटी अहलमदे हूँ। क्या कहा, तेरे बाप ने मेरे पीछे तेरे गाल में तमाचा मार दिया? हाँ, तुझे बाद में देखेंगे, पहले तेरे बाप ही से निपट ले। चल दिया भीम, और बासिक के दरबार में पहुंचा, जब बड़े बड़े नांग बैठे हैं, बासिक ने कहा, मंजलोक में रहने वाले तू यहां पाताल में कैसे आया, कौन है तू? मैं तुम्हारा होने वाला दामाद हूं। क्या कहा? दामाद?
जवाब दिया हाँ। लोगों आग लग गई, एकदम हुक्म कर दिया नांगो जग कमीन को डस लो। और इतने सुन के बेनौरे तो नांगर धरिया रानी, और जितने नांग हते बासी के सब भीमा पे परे दुराई, और हो सब बिगड़ी है भीम सेनी के मरदो सुनियो ध्यान लगाई, और मन में जानी भीम सेन ने अब नहीं बचिए प्राण हमारे, और भीम पिटलियो तोरे दंगल में सैजन मारा मार मचाई, सो सो नांग भरत कोरिय में और चटनी सी गेत बनाई, और काऊ नांग में घूसा मारे जो काऊ में लात दे तू फटकारी, और जितने नांग हा तेरे दंगल में सबको रहो तो जाने अजमारी, और मारत मारत भीमा थकियो तई ऊपर से लोट लगाई, ओ चलो पटेला सोर दंगल में पिचके नांग सभी मर जाई, सरपन को भारी उत भीमने ओटो ये मन में अब तो विचार तुरंत बोलो तो, महाराज रहो है भारी लोट लगाई, और बिछदर भारी सर्प भीम के तन नीचे रहे खाई, भैया पंद्रह कोट भुजंग भीम ने तस नस कर डारे, यारो पंद्रह कोट भुजंग भीम ने तस नस कर डारे, आरे तस नस कर डारे रे भीम ने तस नस कर डारे, भैया पंद्रह कोट भुजंग भीम ने। लोगों ये हालत कर दी उसने है, अरे कितने उम्मीद दए ते हाथन से, कितने उम्मीद दए हाथन से, कितने उमार धरे हैं लातन से, और अब घायल भाए घातन से, और कछु समझाए दए हैं बातन से, बड़े ये हालत कर दी हो दोस्तों। उसी समय जो सात कुंड थे अमृत के, भीम ने सातों कुंड पी लिए, और सातों कुंड पी करके भीम चला। इधर भगवान भोले बाबा ने देखा कैलाश पर्वत के, ये कौन है मनुष्य जो सारे अमृत के कुंड पी के जा रहा है। क्या किया है भगवान भूतनाथ ने जब भीम चला, अरे ले शंकर नेत्र सूल दो जक हूल पेट जब फारो, ले सातो कुंड निकाल रे के भीम तो पाची हारो, और देख गबर ने कही अरज मेरी यही हृदय में धारो, हृदय में धारो, ये मारन लायक नहीं पिया मत मारो, ये मारन लायक नहीं नाथ ना मारो, मन सोचे दीन दयाला है अब कहे सत्य हमारी बाला है, मन ये भीम पवन को लाला है, अति भारी वीर विशाला है ये, सोचने लगे हैं भगवान कैलाशपति के वास्तव में ये मारने के योग्य नहीं है दोस्तों। उसी समय जो पेट फाड़ दिया था वो पाट पेट को सी दिया, तब से भीम का नाम बेकोडर भीर पड़ गया, और भीम को लेकर के भगवान भूतनाथ चले हैं। चल दिए भोला नाथ भीम को साथ आपने लियो, बासिक के पहुंचे पास हाल कह दियो,
जवाब दिया, तुम अपनी लड़की अहलमदे की शादी भीम के साथ कर दो, न पाता लोक की भलाई नहीं है। अरे सुन शंकर के बेन से सको ज्ञान हृदय में दियो, जे लगे भेम से केन सुदा क्यों पियो। जे लगे भीम से केन सुधा क्यों पियो। देखो देखो परताप हमारो और अमृत जीवन को प्यारो। अरे सुन शेष मंगन भारो और यह कर आदर बैठारो। भीमसेन को जब ये पूछा कि तुमने अमृत क्यों पिया, तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने तुम्हारे प्रताप को देखने के लिए इस अमृत को पी लिया, उसी से मैं बार्षिक प्रसन्न हो गया। कहने लगे ठीक है जो भूतनाथ कह रहे हैं। लिए नांग बुलाए कही समझाए महल को जइयो, और नांगिन बर कन्या तुरत उरे के प्यारे अरे करवाइयो। ले उचाए मढ़ो करबाई हवन करबाइयो, हवन करबाइयो। ले मुन ऋषि मन को बोल के बिहार चाहियो, ले ऋषि मुन को बोल के बिहार चाहियो। सुने दूत महल को धाए हैं नांगिनी को बचन सुनाए हैं सोने। नंगर के सबई बुलाए हैं, सब नांग सिमट के आए हैं। बड़ो यज्ञ आनंद खबर ब्रज चंद भीम की लीनी, वार्षिक कितनी मणि दान में दीनी। और कृपा तुम्हारी भाई बड़ाई दई स्तुति कीनी, स्तुति कीनी। फिर नांग सुता से करी बड़ी आधीनी, फिर नांग सुता ने करी बड़ी आधीनी। बेड़े आ दोस्तों, अहलमदे का विवाह जब भीम के साथ में हो गया, तो आज नांग सुता अहलमदे हाथ जोड़ के कहने लगी, हे प्राणेश्वर हमें छोड़ के मत जाना, प्रिये तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊंगा। तेरे पैया परू राजा मत जइयो दुल्हनिया छोड़ के, तेरे पैया परू सैया मत जइयो दुल्हनिया छोड़ के। कर पकड़ भीम को धाई नारद, और निज महलन में लाई वो गोरी गोरी, निज महलन में लाई वो गोरी गोरी। तेरे पैया परू सजना मत जइयो सजनिया छोड़ के, फूलन की सेज लगाई फिर दिल की लगी बुझाई,
रही मंद मंद मुस्कियाई, अब प्रेम को नीर रहो पिलाई। अरे पिया के संग में सोए रही है धीरे धीरे, और दिल को भेद टटोए रही है धीरे धीरे। इस तरह से शादी हो गई दोस्तों। शादी होने के बाद मैं भीम से कहा कि मुझे छोड़ के मत जाना। भीम कहने लगे नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिन की बात है कि भीम आज अहलमदे के साथ सोए हैं। अहलमदे सो चुकी है, भीम को नींद नहीं आ रही। क्यों? इन्हें याद आ रही है मैया कुंती, धर्मराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो दोस्तों क्या किया है पवन पुत्र भीम ने? हाय हाय, ये मैया को मोह भीम को जो व्याकुल रहो तो बनाई दे। आधी रात के समय नींद में जबई दुल्हनिया आई रे। लोगो भीम उठ के गौ बैठ के चेहरा रानी को रो तो लखाई रे। और मोहन मूरत देख दया सह दे गौ दहलाई रे। दोस्तों भीम ने अपनी प्यारी के चेहरा को देखा। अरे होटन को चुमन लेके रम गौ भीम बलदाई रे। और सोबत छोड़ गौ दुलहिन हतनापुर में पहुंची यो आई रे। पहुंचो भीम आए गजपुर में और आनंद बढ़ो अतिउर में। अरे नर नार नगर के जुर में और पूछे सब मधुरे स्वर में। ये पांचों भाई मिले खुशी अति छाई, जो मिले में न को नीर रहे हरसाई। लोगो महाराज भीम से मिल रहे कंठ लगाई, बासिक मारी मणि भीम ने राजे दई हरसाई। महाराजा दुष्टर को जो मणि दहेज में मिली थी वो मणियां जो हैं दे दी। मेरे यार नींद बिटिया की खुल गई है और पति पास में नायक कलेजे साथी हिल गए हैं। रोए रही अहलमदे घर में और कैसे जिंदा रहूं पिया नहीं मिले हैं मोए घर में। नार की भरियाई हिलकी और आज लाला कैसे से बात को रोए रोए कहे दिल की। एहलम दे रही बिलखाई धर आंगन में, ये कुंती से मिल रहे भीमो सुनो गजपुर में। मैंने भीम ब्याह की कथा सुना दी गागे, नर नार करो आराम सभी घर जाके।
के लाला कैसेट धूम मचाई रही और कृष्ण पांडव को युद्ध कथा दे आगे आई रही। ध्यान मेरी कविता पर दीजो और लाला कैसेट प्यारी है बाही को खरीद लीजो। ध्यान रखना दोस्तों, भगवान कृष्ण और पांडवों में कब युद्ध हुआ, क्यों युद्ध हुआ, ये कथा लाला कैसेट के द्वारा स्वामी आधार चेतन के स्वर में आप लोगों तक पहुंचेगी। देखो कि आज भक्त और भगवान का किस तरह भयंकर युद्ध होता है और इसमें विजय किसकी होती है, ये कृष्ण पांडव युद्ध की कथा अब आप लोगों के समक्ष लाला कैसेट के द्वारा पहुंचा रहा हूं। लाला कैसेट